गुरुवार को राजधानी शिमला स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने की। इस मौके पर प्रदेश सरकार मंत्रिमंडल के सदस्य और कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सरकार एक साल के कार्यकाल का जश्न धूमधाम से कांगड़ा में मनाएगी। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार का एक साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, जिसको लेकर जिला कांगड़ा में 11 दिसंबर को कार्यक्रम भी आयोजित किया जाने वाला है। उन्होंने कहा कि इसमें कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होगी। विक्रमादित्य ने कहा कि एक साल का कार्यकाल चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन सरकार ने हर क्षेत्र में काम किया है। उन्होंने कहा कि सरकार चरणबद्ध तरीके से गारंटियों को पूरा कर रही है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सरकार ने ओपीएस बहाल की, हर विधानसभा क्षेत्र में एक मॉडल स्कूल खोलने की जैसी बातों को शुरू करने का काम किया, जो मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार देने के लिए ई व्हीकल टैक्सी परियोजना की शुरुआत की गई, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदने पर 50% अनुदान और वाहनों की सरकारी कार्यालय में लगाने का काम किया जाएगा। ये युवाओं को रोजगार देने में महत्वपूर्ण कदम है। बहुत से ऐसे कार्य है जो हम करना चाहते हैं, मगर क्योंकि केंद्र से जिस तरीके का सहयोग मिलना चाहिए वो सरकार को नहीं मिल रहा है। जो हमारी बोरोइंग कैपेसिटी है उसको भी केंद्र सरकार ने लिमिट उस पर लगा दी है, और साथ ही साथ जो हमारी अलग अलग स्कीम्स में केंद्र सरकार का सहयोग हिमाचल को मिलता है, जो हमारा अधिकार है, उसको भी केंद्र सरकार देने में जो है वो अटकलें लगा रही हैं। ये मैं समझता हूँ कि दुर्भाग्यपूर्ण है, मगर फिर भी मैं इस मौके पर किसी पे कोई उंगला टिका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैंने अंदर अभी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से भी यही निवेदन किया है कि हमको मिलकर इन विपरीत परिस्थितियों में भी मिलकर हिमाचल प्रदेश के हर वर्ग की आवाज़ को उठाना भी है, उन्हें पूरा भी करना है, और खास करके युवा वर्ग के लिए रोज़गार के नए साधन जो कैसे पैदा करने हैं उसके ऊपर भी हम सरकार लगातार चिंतन कर रही है। जो हमारे हमारा जो सिलेक्शन बोर्ड था हमीरपुर में, उसका रीऑर्गेनाइज करके वहाँ पे चयन आयोग जो है बनाने का सरकार ने निर्णय लिया है। बहुत जल्द उसमें सारी रिक्रूटमेंट्स शुरू हो जाएगी, और जो उसमें एक बहुत बर्निंग इशू हमारे JOAITs का था, उस पर भी मुख्यमंत्री जी से हमने 2-3 दिन पहले भी बात करी है। उनका सारा प्रोसेस जो है बहुत जल्दी शुरू करवा दिया जाएगा, और भी जो हमारे युवाओं के लिए किस तरीके से हम रोज़गार के नए साधनों को पैदा कर सकते हैं उसके ऊपर लगातार कार्य हो रहा है। जहाँ तक हमारे विभाग की बात है, उसमें भी हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश में जो चाहे मेटलिंग टायरिंग का कार्य है, चाहे नए सड़कों के निर्माण का कार्य है, चाहे जो आपके आपदा के समय में जो नुकसान हुआ है उसके रेस्टोरेशन के लिए भी पूरा प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के सरकार का एक साल का कार्यकाल हिमाचल प्रदेश के अंदर पूरा होने जा रहा है, लगभग हो चुका है, और 11 तारीख को इस संदर्भ में एक रैली का आयोजन जिला कांगड़ा में रखा गया है, जिसमें हमारी नेता कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी इसमें मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेगी। कार्यकाल पूरा हो रहा है, आज बैठक भी बुलाई है, किस तरह की चर्चा रही और कांग्रेस पार्टी के सरकार का एक साल का कार्यकाल हिमाचल प्रदेश के अंदर पूरा होने जा रहा है, लगभग हो चुका है, और 11 तारीख को इस संदर्भ में एक रैली का आयोजन जिला कांगड़ा में रखा गया है, जिसमें हमारी नेता कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी इसमें मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सभी पार्टी की माननीय अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी और सभी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता इस उपलक्ष्य में उपस्थित रहेंगे। जो हमारी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, और कांग्रेस का आम जनमानस है, वो पार्टी की रीढ़ की हड्डी है, और उनकी हौसला अफजाई करना हमारा परम दायित्व है। इसलिए निश्चित तौर से मैं ये नहीं कहूँगा कि जो शिकस्त
हमको, हालांकि हमारा वोट परसेंटेज जो छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में है, वो जितना पिछले चुनावों में था उतना ही है, सेम वो वोट परसेंटेज है। मगर ये ज़रूर है कि भाजपा का वोट परसेंटेज जो है वो कई गुना बड़ा है। मगर हार हार होती है और निश्चित तौर से उसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट रहता है। मगर मैंने अपने सभी, हमने अपने कार्यकर्ताओं से ये निवेदन किया है कि आपको अपना हौसला अफजाई पूरी मजबूती से करनी है। हम मिलकर, हिमाचल की परिस्थितियाँ अलग है, हिमाचल की डेमोग्राफी अलग है, यहाँ का रूपरेखा अलग है, और जो हिंदुत्व कार्ड ये मध्य भारत में या और प्रांतों में चलाने की कोशिश करते हैं वो हिमाचल में चलने वाला नहीं है। मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि उनसे बड़े हिंदू हम हैं, हमको किसी से कोई सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। देव समाज है, देव नीति है, और हमारे पूर्वजों से जो है हम देव समाज को मजबूत करते आए हैं और आने वाले समय में भी करते आएंगे, और इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है, और ये हमेशा कायम रहेगा, और राजनीति से हटकर इसको हम कार्य करते रहेंगे। मगर क्योंकि भाजपा का ये एक प्लैंक रहता है कि वो धर्म को राजनीति से जोड़कर आगे चलाने की कोशिश करती है, इस संदर्भ में इस बात को मैं जो है वो मैं कह रहा हूँ। बाकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई हमारा प्रथम दायित्व है, उसके लिए हम लगातार, आप जैसा देखते भी हैं कि हम प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा भी करते हैं, कभी कांगड़ा का, मंडी का, कुल्लू का, लगातार पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी संवाद किया जा रहा है, कमी पेशियां रह भी जाती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, तो इसलिए उनकी बातों को सुना भी जाएगा, उस पर तवज्जो भी दिया जाएगा, और मिलकर हौसला अफजाई के साथ हम मैदान में उतरेंगे और आगामी जो हमारे लोकसभा के चुनाव है उसमें कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए हर संभव प्रयास किया भी जाएगा और फतेह हासिल करेंगे भी। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।